हेलो बच्चों, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि इसे बताइए, तो मैंने इसे बताने के लिए आज चाहता हूँ। ए लाइन ए बी, ए बी क्या है? एक लाइन है। ए बी क्या है? एक लाइन है ए बी। 90 mm लॉन्ग, इस लाइन की लंबाई क्या है? ट्रू लेंथ इसका 90 mm है, यानी कि ट्रू TL बराबर ट्रू लेंथ बराबर 90। ये क्या लाइन है? इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड है? 30 डिग्री इंक्लाइंड है। किसके साथ इंक्लाइंड है? तो HP के साथ इंक्लाइंड है। किसके साथ इंक्लाइंड है? 30 डिग्री टू HP। ये जो ट्रू लाइन है वो HP के साथ 30 डिग्री का इंक्लाइंड है। चलिए, दो चीज हमें पता चल गया। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि उसका प्रोजेक्शन क्या है। लाइन का जो सिरा है वो कहाँ पर रखा हुआ है, वो पता लगाने के लिए हम आगे पढ़ेंगे। इट्स इंड एज 12 mm एबव द HP। HP से 12 mm एबव है और 20 mm क्या है? इन फ्रंट ऑफ VP। 20 mm VP से इन फ्रंट है। एक पॉइंट है जिसका नाम ए है, यानी कि ये जो सिरा है वो एबव कितना है? 12 mm, और इन फ्रंट ऑफ कितना है? तो 20 mm। तो अर्थात ये जो लाइन है वो, ये देखिए हमारा HP है, ये VP है, तो ये जो लाइन है 12 mm एबव, तो ये जो 12 mm है, 12 mm एबव द HP, ये जो HP है इसे 12 mm एबव है, एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, ये जो VP है इसे 20 mm इन फ्रंट है, यानी कि इस तरह से एक लाइन है, इसका नाम ए बी है। क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है तो हम इस पर भी एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे। देखिए, इस पर हमने रेफरेंस लाइन बना दिया है, इसका नाम एक्स और वाई देंगे। अब क्योंकि 12 mm एबव है जो VP पर बन रहा है, तो VP पर हम यहाँ 12 mm ऊपर में भी एक लाइन लेंगे। साथ ही साथ इन फ्रंट ऑफ कितना है? 20 है, तो इसे हम 20 पर भी एक लाइन लेंगे, इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये भी इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, एक्स वाई के पैरेलल में लाइन खींचेंगे। अब हमें पता चल गया कि वो जो लाइन है उसका नाम ए है, तो चूंकि ऊपर में बना रहे हैं इसलिए उसको हम ए डैश से दिखाएंगे, नीचे में बन रहा है उसको हम ए लिखेंगे। तो अब हमें पता चल गया लाइन का पॉइंट जो है ए, वो 12 mm और 20 mm इन फ्रंट है, तो इस तरह से है। अब हम अगला सवाल को देखेंगे कि TL ट्रू लेंथ कितना है? 90, और इंक्लाइंड कितना है? तो 30 HP के साथ 30 डिग्री है।
अब ये जो लाइन है वो ये लाइन जो है वो एच पी ये है, तो इसके साथ एक कोण बना रहा है। कितने का कोण बना रहा है? तो 30 डिग्री का इस तरह से कोण बना रहा है, इस तरह से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 30 हमें कोण किस पर दिखाई देगा? वीपी पर दिखाई देगा, यानी ऊपर की तरफ दिखाई देगा। देखिए इस तरह से अगर हम ऐसे देखेंगे ऊपर से टॉप व्यू से तो हमें एक लाइन नज़र आएगा, लेकिन जब हम सामने से देखेंगे तो हमें एक 30 डिग्री के कोण पर यह झुका हुआ हमें दिखाई देगा। तो यहाँ से हम 30 डिग्री का कोण बना करके उस लाइन को दिखा देंगे। चूंकि हम जानते हैं कि इसका ये कोण 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का कोण हम यहाँ से बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। देखिए ये बन गया है, ये 30 डिग्री का कोण है, ये लाइन ए बी 90 mm लॉन्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? 90 mm है। तो हम इसे 90 लेकर के इसे काटेंगे, इसका नाम लिख देंगे 90 mm। ए लाइन ए बी, ए बी एक लाइन है, इसका नाम बी डैश देंगे। इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एच पी, इट्स ई एंड ए इज 12 mm अबव एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, इट्स फ्रंट व्यू मेजर्स 65। फ्रंट व्यू मतलब अब ये जो लाइन है ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। अब इसका जो फ्रंट व्यू है वो 65 का दिखा रहा है। तो 65 का कब दिखाई देगा? जब हम इस लाइन को रोटेट करेंगे। तो हम कितना रोटेशन करेंगे कि ये जो फ्रंट व्यू पर जो लाइन है वो 65 का बन जाए? तो चूंकि जब हम इसे रोटेट करेंगे इस तरह से, इट्स फ्रंट व्यू मेजर 65 mm, ड्रा द टीवी ऑफ ए बी एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन विद वीपी, वीपी के साथ कितना इंक्लिनेशन है वो बताना है। अब हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान देना होगा कि ये जो लाइन दिख रहा है जो 30 डिग्री पर एचपी के साथ इंक्लाइंड है, उसे जब हम रोटेट कराएंगे तो इतना रोटेट कराएंगे कि यह वीपी पर 65 का बन जाए। तो इसे जब हम रोटेट कराएंगे तो इसका जो ट्रेस होगा वो एक्स वाई के पैरेलल में आएगा। देखिए किस तरह से है, इसका जो रोटेशन है, वो एक्स वाई के पैरेलल में ही आएगा। तो हम एक्स वाई के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे। देखिए एक्स वाई के पैरेलल में हमने एक लाइन खींच दिया है, ये डिस्टेंस बराबर होंगे। देखिए इस तरह से मैंने लाइन खींच दिया है। अब चूंकि इसका जो क्या कहता है कि ये जो है वीपी पर 65 का डिस्टेंस बना रहा है, तो हम चाप की सहायता से
65 की दूरी को एडजस्ट करके इसे हम कहीं काटेंगे, इस लाइन को काटेंगे। अब क्या करेंगे, यहां से एक नीचे की तरफ लंब डालेंगे। देखिए मैंने यहां से एक नीचे की तरफ लंब खींचा है। अब क्या करेंगे कि बी से भी एक नीचे की तरफ लंब खींचेंगे। अब इस दोनों को मिलाते हुए एक आर्क बनाएंगे जो इस लाइन को कहीं पर काटेगा। इस लाइन को जहां पर काट रहा है वहां से भी एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। इस दोनों को मिलाएंगे अब साथ ही साथ ऊपर में इस डिस्टेंस को भी मिला देंगे। इसका नाम बी डैश देंगे, इसका नाम बी डैश वन देंगे। उसी तरह ये दोनों पॉइंट एक ही है, इसका नाम ए वन डैश देंगे, क्योंकि एक ही चीज बी का छाया बन रहा है जो कि इसका नाम बी वन डैश। बी टू देंगे इसका नाम। अब जो है इसका, चूंकि यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 90 है, तो यहां से हम इसे काटेंगे 90 का चाप लेकर के और इस दोनों को मिलाएंगे। तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो पता करना था, डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन, इसका इंक्लिनेशन बताएं। तो जब हम इसे नापेंगे, मेजर करेंगे, तो हमें लगभग 44 डिग्री आएगा। साथ ही साथ इसका हमने ट्रेस दिखा दिया है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।